जो वैल्यूज हमारी अप्रिशिएट हुई है इंक्रीज हुई हैं एसेट में इंक्रीज हुए हैं देन अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है देन हमारा प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हुई है इसीलिए हमारा ये रिवेल्यूशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है एंड प्लांट एंड मशीनरी रिवेल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा लाइक वाइज हम अदर एंट्रीज करेंगे आप क्या था इलेक्ट्रिसिटी बिल था इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है ड्यू है मीन्स विच वी हैव टू पे दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस में क्या होता है रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है एंड हेयर वी गो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री बन गई सिमिलरली हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स की जो कि हंड्रेड रुपीज से रिटर्न ऑफ हुए थे यानी कि हमारा लाइबिलिटी लेस हुआ है और लेस में क्या होता है फर्म को गेन होता है तो क्रेडिट होगा नाउ नेक्स्ट जो है रिवेल्यूशन अकाउंट बाय एट हंड्रेड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट ये क्या है रिवेल्यूशन अकाउंट टू ए ए और ये क्या है ये रिवेल्यूशन अकाउंट का शेयर है जो कि ए और बी में डिवाइड करा है अब ये जो शेयर है ये आपको कब मिलेगा ये आपको तब मिलेगा जब आप रिवेल्यूशन अकाउंट सॉल्व करेंगे नाउ अब हम रिवेल्यूशन अकाउंट पे आते हैं जो डेबिट uh, साइड में डेबिट साइड के आइटम्स थे वो हम रिवेल्यूशन में डेबिट साइड में लिखेंगे जो क्रेडिट साइड के थे वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेट अस प्रोसीड हम यहां पर आ गए एंड क्या हुआ ये सी स्टॉक हमारा कम हुआ था सो so डेबिट फर्नीचर कम हुआ था डेबिट डेटर्स में हमको लॉस हुआ था डेबिट हमारे एक्सपेंस लाइबिलिटीज बढ़ गए देन डेबिट उसके बाद एंड मशीनरी इंक्रीज हुआ हमें गेन हुआ हमने उसकी वैल्यू क्रेडिट करी by the amount which the plant and machinery is increased similarly interest and similarly sundry characters kya hua 100 se kam hua yani ki hame 100 ka gain hua hai humne isko credit side mein note kara now all total kya hua is revaluation karne mein hame profit hua और इस profit को हमने A और B में थ्री ratio टू में क्या करा distribute करा यहां से ये value आई है जो कि हमने इस लास्ट जर्नल एंट्री में करी थी ऑल क्लियर अब हमें क्या बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है अब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ओके okay, हाँ नाउ गाइस क्लियरली देखिए कि रिवेल्यूशन अकाउंट ऐसा होता है सिंपल सी चीजें होती हैं हमें सीधे सीधे क्या करनी है एंट्रीज को रिवेल्यूशन अकाउंट में जस्ट नोट डाउन करनी है जो भी क्रेडिट साइड के आइटम्स थे हम उनको यहाँ पे लिखेंगे अपने क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे एंड जो भी डेबिट साइड के आइटम्स हैं हम उनको अपने डेबिट साइड में लिखेंगे सो so, ये अकाउंट गलत होने के चांसेस ही नहीं है बस आपको क्या जानना है कि क्रेडिट साइड में फर्म की इनकम आएंगी और गेन आएंगी और डेबिट साइड में फर्म के एक्सपेंसेस और लॉस आएंगे अब भाई फर्म के क्या चीज फर्म के लिए गेन है गेन मतलब प्रॉफिट क्या चीज फॉर्म के लिए इनकम है अब ये चीज तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली दिन राइज आपके एंट्री सही होंगे जनरल एंट्री सही होंगे एंड आपका रिवोल्यूशन अकाउंट भी प्रॉपर होगा ओनली द थिंग यू हैव टू डू जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हमारे अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है एंड क्रेडिट साइड में क्या आता है That's why कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज द utmost थिंग इन each and एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट नॉट ओनली इन accounts बट एवरी सब्जेक्ट अब क्या था क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट साइड इनकम और गेन आते हैं तो हमने सीधे सीधे से इसको क्या करा सारी क्रेडिट साइड की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली वी नोट इट डाउन और जो भी हमारे लॉसेज है एंड एक्सपेंसिज है हमने उनको डेबिट साइड में लिख सिंपल ना तो हमें आ, कुछ जरूरत पड़ी कुछ और सॉल्व करने की ना ही डिफिकल्ट था लाइक वाइज अब हम क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं दैट यू गाइस ऑलरेडी नो अगर आपको नहीं पता है देन यू सी द वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन कैपिटल अकाउंट हमारे पास अब कितने पार्टनर्स हो गए ए बी एंड सी पार्टनर ए पार्टनर बी एंड पार्टनर सी लाइक वाइज हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे और क्या करेंगे हम पार्टनर्स का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाएंगे इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे बट हम हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट ना बनाकर हम एक ही कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर का अलग अलग कॉलम बना देंगे लाइक वी डिड हेयर मैं इसको इरेज करती हूँ आपको फिर से बताती हूँ लाइक like हमने ए, एक पार्टनर ए का ये कॉलम बनाया सिमिलरली हमने पार्टनर बी का कॉलम बनाया एंड हमने पार्टनर सी का कॉलम बनाया ये जो कॉलम बना है ये कौन सी साइड का है ये है डेबिट साइड यानी कि वो चीजें आएंगी जो जो की पार्टनर के लिए क्या है एक्सपेंस है या फिर बैलेंस है और फिर आते हैं हम क्रेडिट साइड में अब हम इसमें क्या लिखेंगे हम इसमें वो चीज लिखेंगे जो की हमारे पार्टनर के लिए क्या है इनकम है और गेन है अब नाउ गाइस यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है इसको मैं सही कर देती हूं ये जो है ये पार्टनर ए का अकाउंट है ये पार्टनर बी का अकाउंट है और ये पार्टनर सी का अकाउंट है ये ना मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली ना ए यहां पर आ गया इसको रब कर देती हूं मैं नाउ जो भी बैलेंस था अब देखो ये बैलेंस है हमें बैलेंस शीट में क्या था ये बैलेंस मिला है थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड ये क्या है ए और बी का कैपिटल अमाउंट है हम इसको यहाँ पे ले आए फिर सी का क्या है कैपिटल फिफ्टीन थाउजेंड सी अपने साथ पंद्रह हजार रुपए एज ए कैपिटल लेकर आया था तो सी के पास ये कहां से आया बैंक से आया उसका तो कोई बैलेंस पहले से था नहीं फॉर्म में तो ये उसका नया है तो सी का अकाउंट इससे क्रेडिट हुआ है ये पार्टनर के लिए इनकम है नेक्स्ट चीज ए और बी को क्या मिली गुडविल मिली तो हमने गुडविल यहां पे लिख ली गुडविल क्या है ए और बी के लिए इनकम है गेन है हमने यहां पे लिखा फिर अकाउंट में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करे थे हमने क्रेडिट करे थे सो हमने यहां लिख लिया क्यों क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर के लिए क्या है इनकम है गेन है हमने यहां पे नोट डाउन किया अब यहाँ पे पार्टनर्स के लिए कोई लॉस या फिर कोई एक्सपेंस तो है नहीं इसीलिए हमने डेबिट साइड में कुछ लॉस एक्सपेंस नहीं लिखा है बट हमने क्या करा है हमने ऑल टोटल क्या करते हैं हम हाँ? अकाउंट क्या होते हैं बैलेंस होते हैं हमने बैलेंस को यहाँ पे कैरी डाउन कर दिया अब ये बैलेंस कहां से आया ये यह यहां से आया इसका ऑल टोटल अमाउंट जो है यहां पे से यहां जाता है एवरी पार्टनर ईच पार्टनर का ऐसे होता है इस तरीके से बैलेंस अमाउंट यहाँ पे कैरीडाउन होता है सो so गाइस ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया है इसी के साथ बाय दिस बाय दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड होता है एंड बट वी आर हैविंग मेनी मोर न्यूमेरिकल्स टू डू So, guys, be prepared to solve these numericals. Now, thank you and have a nice day.